हेलो एवरीवन, क्लास 10th कैसे हो सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इन दिनों जो है अपन लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन लोगों ने फर्स्ट में देखा कि किस तरीके से जो मेटल होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में उसके कुछ किस बेसिस पर जो आगे उसमें जो रिएक्शन थे वो बन सकते थे, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, आप लोगों को उसका जो कैप्शन है वो मिल जाता है ऊपर की बटन पे। ओके, तो आज जो है अपन लोग बात करेंगे कि क्या होगा यदि कोई मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करे, और क्या होगा जब कोई मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करे। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। ओके, तो चलिए इसमें इसको समझने के लिए हमें लिखना पड़ेगा व्हेन मेटल मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट प्रोड्यूस वाटर एंड फॉर्म व्हाट बेटा, क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, ओके, ये तो प्रोड्यूस कर दिया और कर देता है। लेकिन यदि मेटल ऑक्साइड हो जाए, क्या होते हैं व्हेन, बट क्या लिखे, यहाँ लिखे बट मेटल ऑक्साइड जो कि उसमें प्रोडक्ट है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, वाटर एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करते बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म करता है, और साथ में हीट भी जनरेट होती है। दैट्स द रीजन, यदि हीट निकलती है, हीट विल आल्सो प्रोड्यूस। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये कैसा रिएक्शन हो सकता है? एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होगा ये। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेंगे तो किस तरीके से फॉर्म करेंगे देखते हैं। ओके, चलिए अपन लोग को सिंपल से पता है कि ये मेटल है, रिएक्ट करेगा किसके साथ में बेटा? वाटर के साथ में। क्या प्रोड्यूस होंगे? मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ये होगा। तो इसको पूरी तरीके से हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन। दूसरा इसका जो नॉट है वह क्या बन सकता है? दूसरा बन सकता है इसका नॉट कि यदि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ में? वाटर के साथ में, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा आप लोग बताइए? मेटल ऑक्साइड यदि इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो किस तरीके से बनाता है रिएक्शन देखते हैं। जब पोटेशियम जो है रिएक्ट करता है किसके साथ में? हाइड्रो H2O के साथ में, क्या फॉर्म करेगा बेटा? क्या फॉर्म करेगा? KO फॉर्म करेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए ये इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा बेटा। यदि ये प्रोड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप जो है यहाँ 2 लिख दीजिए। अब हो गया, कोई भी मेटल जो है
H2O के साथ यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया और इसमें हीट भी जनरेट होती है। इसी वजह से मैंने क्या बोला था इसको आप लोगों को कि यह एक एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन भी है। दूसरा अपन लोग लिख लेते हैं सोडियम का एग्जांपल। सोडियम जो है रिएक्ट करेगा H2O के साथ में क्या फॉर्म करेगा, Na2 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करिए, नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गई होगी आप लोगों को। तो ये जो है बिलोंग करता है आपके ये वाले रिएक्शन से जहाँ मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। लेकिन यदि ये दोनों रिएक्ट करें K2O और Na2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड और दूसरा सोडियम ऑक्साइड किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो क्या करेंगे ये प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो जो है आप लोगों को इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको मिटा के इधर करें, नहीं यहाँ से अलग कर देते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरे नंबर अप्लाई करिए नोट को, मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड लिखिए K2O और इसके साथ किसके साथ में रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ में, तो वाटर का रिएक्शन कर दीजिए। क्या बनाएगा बेटा, ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। कितने बनाएगा, के कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है, नहीं ऑक्सीजन भी डबल है, तो ऑक्सीजन भी डबल हो गया, हाइड्रोजन भी डबल, हाइड्रोजन भी डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा इसी को फिर से लगा दीजिए कि जो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, H2O के साथ में, क्या बनाएगा बताइए, ये बनाएगा NaOH, लेकिन ये 2NaOH बनाएगा, मतलब एक तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं गई होगी मेरे ख्याल से अभी तक, ओके। तो और भी कोई रिएक्शन है जो इसमें शामिल है तो इसको भी अपन लोग देख लेते हैं कि और भी कौन सा रिएक्शन है जो कि जब रिएक्ट करता है मेटल किसी वाटर के साथ में तब वो चीज़ें हमें बनती हैं। तो उसके लिए अपन लोग जो देख लेते हैं, इसमें मैंने क्या नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए,